हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कि वर्डपैड क्या होता है। अगर आपको नोटपैड नहीं पता तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप नोटपैड को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हूँ, आप समझ सकते हैं। देखिए, वर्डपैड और नोटपैड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आता है। देखिए, नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है जो टेक्स्ट को एडिट कर देता है, उसको कहते हैं नोटपैड। और वर्डपैड एक ऐसा एडिटर है जो टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को करता है। दोनों में डिफरेंस यही है, नोटपैड क्या करता है, टेक्स्ट को एडिट करे नोटपैड, और टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को करे उसे वर्डपैड कहते हैं। ठीक है, तो वर्डपैड को हम खोलने का तरीका यहाँ से खोल लेते हैं, विंडोज़ बटन प्रेस करके खोल लेते हैं। वर्डपैड को सिंपली ऐसे इंटर कर लिया, यहाँ से देखिए वर्डपैड आपका खुल गया। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। और एक और तरीका बताते हैं, रन कमांड, विंडोज़ और आर प्रेस करोगे तो रन कमांड खुल गया। यहाँ पे वर्डपैड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आपको रन कमांड लगाना है और इसको एंटर कर लेना है। अब देखिए, अब इसमें समझना है कि किसको क्या बोलते हैं। देखिए, जो यहाँ पे ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, ये इनका मतलब क्या है और इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इनको हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं, इसको हम कंट्रोल बटन कहते हैं। वो तीनों दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल करते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम वर्डपैड में, उसको वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल करने का मतलब है ये आपको मिनिमाइज कहलाता है। मिनिमाइज का मतलब कि ये टास्क बार में मिनिमाइज करके नीचे भेज देता है, छोटा कर लेता है। मैक्सिमाइज मतलब बड़ा होता है, देखिए बड़ा कर लिया। जैसे ही हमने इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट किया, यहाँ आ जाएगा ऑप्शन रीस्टोर। रीस्टोर डाउन मतलब नीचे की तरफ पहले जैसा। रीस्टोर ऑप्शन आपको क्लियर नहीं है तो आप नोटपैड के प्लेलिस्ट में जाकर रीस्टोर डाउन, ये सब हमने पहले ही बताया है, इस तरह से रीस्टोर डाउन कर लोगे तो देखो ये पहले जैसा आ गया। रीस्टोर डाउन कर लिया और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। देखिए, आप क्लोज लिख भी रहा है। अब देखिए, ये जो है, ये आप समझते हैं, ये जो जिसके अंदर ये सब लिखा हुआ है, पिक्चर ड्राइंग, इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, पट्टी है, एक पट्टी है, इसको बोलते हैं रिबन, रिबन कहते हैं। और ऊपर जो है आपको पता होगा कि टाइटल बार होता है, ओके। और ये जो है क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, क्विक एक्सेस टूल बार का इंपॉर्टेंस है कि अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हो कहीं पर भी कोई ऑप्शन के पास, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देता है, न्यू का जोड़ना चाहते हो जोड़ लो, देखो यहाँ पे न्यू क्विकली एक्सेस कर सकते हो, अगर तुम ओपन का जोड़ना चाहते हो। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो पब्लिश करेंगे। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर में जो दिखाई दे रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं। यह टैब्स है, होम टैब एंड व्यू टैब। अब कहोगे कि यहाँ गायब क्यों हो गया, जब भी तुम टैब पे, होम टैब पर डबल क्लिक करोगे तो ये गायब हो जाएंगे, फिर क्लिक करोगे आ जाएंगे, बस इस पर क्लिक किया गायब हो जाएंगे, फिर क्लिक करोगे आ जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से दो टैब होम और व्यू दिए हैं, और इसको बोलते हैं वर्ड पैड बटन। क्या बोलते हैं, वर्ड पैड बटन। यहाँ से सारे ऑप्शन के बारे में अगले वीडियो में डील करेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, आई थिंक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जितना हो सके आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। मतलब कि कोई भी डाउट हो आप वो ना भूलें, आप क्लियर करें, समझें और दूसरों को भी समझाएं, पढ़ाएं और क्लियर करें कि आखिर वर्डपैड और नोटपैड में क्या डिफरेंस है, आखिर वर्डपैड होता क्या है, इसका रियल लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।